नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये सीखा था कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं गुजराती टू हिंदी। आपने निबंध सीखे कि किस तरह से हम निबंध लिख सकते हैं, राइट? तो एक एक स्किल आप में डेवलप हो रही है। अगर मैं ऐसा मानूं और अगर मैं ऐसा सोचूं कि एक एक स्किल आप में डेवलप हो रही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, श्योरली हो रही होगी, ऐसा मैं विश्वास कर सकती हूँ। माना कि हम मिले नहीं हैं, आप स्कूल में नहीं आते, हम क्लास में नहीं मिलते, इंटरेक्शन नहीं होता, बट इन शॉर्ट कि आपको जो सिखाया जा रहा है उस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि आप उसको ऑनेस्टली सीख रहे होंगे। आपने निबंध लिखना सीखा तो मैं ये भरोसा कर सकती हूँ कि आपको निबंध लिखना अब आ रहा होगा, राइट? आपने गुजराती पैराग्राफ से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो आई होप कि आपको, आई कैन ट्रस्ट कि आपको वो ट्रांसलेशन करना आ रहा होगा, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना या उसका अनुवाद करना आ रहा होगा। अब बात आती है यहाँ पे पत्र लेखन की, लेटर राइटिंग, जो आप इंग्लिश में तो लिखते आए हो या आपने सीखा होगा, हिंदी में भी सीखा हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने नहीं सीखा होगा, आपने हिंदी में भी सीखा होगा, लेकिन एक लेवल होता है कि हमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जब हम आते हैं तो हमारे लेवल को हमें किस तरह से ग्रो करना है, राइट? तो इसीलिए आपके एक स्टेप को बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग सिखाने का ट्राई किया है स्टूडेंट्स। उसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो जब भी हम जूम मीट पे ऑनलाइन हमारा जो लाइव लेक्चर चलेगा उसमें मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी कि किस तरह से क्या होता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो के थ्रू मैं एक बार बता दूँ तो क्या है कि आपको जब हम अभी तक हम क्या करते हैं कि जैसे 1 to 8 चैप्टर या 1 to 7 या जितने भी 4, 5 जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं तो जूम मीट पे के हम क्या करते हैं उसको फिर से रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि कहीं पे कुछ छूट गया है या कुछ मिसिंग हो गया है, किसी ने वीडियो नहीं देखा है या कुछ भी ऐसा एरर हो, नेटवर्क इशू हो, तो आपको वो चीज़ें सारा कंटेंट, सारा चैप्टर फिर से क्लियर हो जाए। इसलिए यहाँ पर मैंने अभी एक बार मैं पढ़ा दूँ तो उसको मैं रिवीजन कराऊँगी, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं पत्र। पत्र लेखन जो है, हमारे मित्र, रिश्तेदार या सगे संबंधी कई बार दूर रहते हैं, ओके? हम अपनी बात को उन तक पत्र द्वारा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा किसी दिन अपने विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए या किसी और काम के लिए भी प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। इन सभी तरह के पत्रों को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अभी तो व्हाट्सएप है, लेकिन पहले तो पत्र लिखे जाते थे, राइट? तो हमें पत्र लिखा, लेटर राइटिंग तो आना ही चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली जब आप लिखते हो, चलो पर्सनली आप एक दूसरे को व्हाट्सएप कर दो या मैसेजेस कर दो, लेकिन ऑफिशियली आप इस तरह से व्हाट्सएप नहीं कर सकते, आपको रिटर्न में ही एप्लीकेशन लिखना होता है, उसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, औपचारिक पत्र। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पत्र सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में। पत्र लिखते समय शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्य आदि वर्ड्स यूज़ करने चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट इज़, पत्र लिखने के बाद एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कोई गलती छूट ना जाए। हम कुछ लिखते हैं तो एक बार हमें रीड कर लेना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हो गई हो या कुछ मिस हो गया हो तो हम उसे करेक्ट कर लें। तो इस तरह से हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या बातें, इसमें क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। अब आइए कुछ पारिवारिक एवं प्रार्थना पत्रों को पढ़ें और समझें। कुछ लेटर हैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, उसको आपको समझना है। अपने चाचा जी के विवाह में शामिल होने के लिए छुट्टी मांगते हुए विद्यालय के मुख्य अध्यापक, यानी कि जो आपका प्रधान अध्यापक होता है, मुख्य अध्यापक, उनको पत्र आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि चाचा जी के विवाह में आपको जाना है, राइट? आपको किसी विवाह में जाना है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है सेवा में मुख्य अध्यापक जी, क्योंकि यहाँ पे प्रधान अध्यापक ऐसा वर्ड नहीं दिया है, मुख्य अध्यापक दिया है, इसलिए आप मुख्य अध्यापक जी लिखेंगे। अब स, यानी कोई भी XYZ स्कूल का नाम, शिक्षा निकेतन, करोल बाग, दिल्ली, आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। फिर आपको डालनी है दिनांक, 5 मार्च 20
आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये बच्चों का लेटर इसलिए ये है क्योंकि लॉकडाउन से पहले ये लिखा गया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो कोई शादियाँ हुई ही नहीं है, राइट। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह 10 मार्च 20 को होने वाला है, इसलिए मैं 9 मार्च 20 से 11 मार्च 20 तक विद्यालय नहीं आ सकूँगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे इन 3 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। कृपा करें यानी कि आप मुझे ये छुट्टियाँ दें। प्रार्थना है यानी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चाचा जी का विवाह इस दिन है, मैं यहाँ से यहाँ तक छुट्टियाँ लेने वाला हूँ, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, राइट, मैं स्कूल नहीं आ सकूँगा, इसीलिए आपसे प्रार्थना है यानी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश, अवकाश यानी कि छुट्टी, ओके। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है, तो 3 दिनों का अवकाश देने की, क्यों, क्योंकि 9 से 11 तो 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख 3 दिन की छुट्टी हुई, तो यहाँ पे प्रॉपर लिखना है कि विवाह कब है, आप छुट्टी कब लेना चाहते हैं और आप क्यों नहीं आ सकेंगे, और आपको कितने, भले आपने डेट डाली मगर फिर भी आपको मेंशन करना है कि कितने दिनों की छुट्टी आप लेना चाहते हैं, तो ये सब आप उसमें मेंशन करेंगे, राइट। यहाँ तक के जो बताया है उसमें पहले आपको जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है, फिर आपके स्कूल का नाम यानी जिसको लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम लिखना है, फिर वहाँ का प्लेस, जिस दिन लिख रहे हैं वो डेट मेंशन करनी है, फिर यहाँ पे देखिए महोदय लिखा हुआ, महोदय यानी कि रिस्पेक्टेड सर, लेकिन हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, महोदय या आदरणीय गुरुजी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल लेटर जब हम लिखते हैं तो महोदय लिखना ही ठीक रहता है, राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये मैं इसलिए धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या से क्या हमको लिखना है, ओके। तो यहाँ पर आपने पहले चाचा जी का विवाह है तो उसकी डेट मेंशन करी, क्योंकि आपने विवाह के लिए छुट्टी मांगी है तो उसकी डेट मेंशन करनी है, फिर आप कौन सी डेट को स्कूल नहीं जा सकोगे वो बताना है, तो इसने बताया बच्चे ने 9th मार्च से 11th मार्च, राइट, और फिर उससे रिक्वेस्ट किए कि क्यों नहीं जा सकते स्कूल में, कितने दिन के लिए नहीं जा सकते, ये सब। तो आगे देखिए 12 मार्च 20 को मैं यथा समय यानी कि टाइम पर, जो हमारा स्कूल का टाइम है उस पर विद्यालय में उपस्थित रहूँगा, यानी मैं 12 मार्च को स्कूल में आ जाऊँगा, धन्यवाद सहित, यानी आपको धन्यवाद भी बोला है, थैंक यू लिखते हैं ना इंग्लिश में, लास्ट में थैंक यू लिखते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर धन्यवाद सहित यानी धन्यवाद के साथ, आपका आज्ञाकारी शिष्य सुशील कुमार, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं अपना नाम ही लिखो, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, कक्षा 3 अ अनुक्रमांक, यानी कि आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप क्लास मेंशन करें यहाँ पे अपना अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, राइट। तो रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, स्टैंडर्ड मेंशन करना है, क्योंकि आप ये ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं इसलिए आपको ये सब इसमें लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये लेटर समझ में आए, ये मैंने यहाँ पे काफ़ी देर तक इसलिए रखा है ताकि आप उसको देखकर लिख सकें, क्योंकि ये फटाफट ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये वीडियो क्लिप, तो आप उसको देख करके अच्छे से लिख नहीं सकोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये धीरे धीरे चलाया है। और यहाँ पे ये देखो आपका आज्ञाकारी शिष्य है, उसकी जगह पर अगर गर्ल है फीमेल है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे येलो उसे ब्लूबर से मैंने बताने का ट्राई किया कि अगर आपका है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या ऐसा भी आप लिख सकते हैं, अगर आप गर्ल है तो नाम, आप गर्ल है तो आप लड़की का नाम लिखोगे, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देने हैं, यानी स्टैंडर्ड में भी मैंने नहीं रखा है रोल नंबर का, तो इसलिए वो आप चेंज कर देना, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको ये लेटर बताया है जो इजीली आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, क्योंकि ऑफिशियल लेटर जब आप लिखते हो तो आपको बड़ा बड़ा भर भर के नहीं लिखना है कि टीचर आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ वगैरह वगैरह, ऑफिशियल लेटर में पॉइंट टू पॉइंट बात होती है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि सिर्फ 2 और 3 3 सॉरी 3 और 4 लाइन्स में अपना ये आपका जो पत्र है
इसको लेटर नहीं बोलते, इसको प्रार्थना पत्र बोलते, रिक्वेस्टेड लेटर बोलते, तो ऑफिशियल लेटर बोलते। तो इसको लिखने के लिए आपको बहुत सारा भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत नाचने वाला हूँ, मेरे मामा की शादी में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हम डांस करेंगे, वो सब कुछ भी नहीं लिखना है। अननेसेसरी फालतू बातें इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ उतनी बातें होनी चाहिए जितनी आपके लिए यानी इस लेटर के लिए नेसेसरी है। उसके अलावा फर्जी की फिजूल की कोई भी बातें इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। तो लेटर ये प्रार्थना पत्र लिखते समय इन सब बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि किस तरह से आपको अपने कंटेंट को यहाँ पर कवर करना है। और आप कि जो हेडिंग है यानी जो जिस लिए आप छुट्टी चाहते हैं तो वो बात वो पॉइंट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो बिल्कुल सही तरह से आ रहा है या अननेसेसरी घुमा फिरा के दिया गया है, वो सब कुछ आपको इसमें देखने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया ताकि आप उसको अच्छे से लिख सकें और लिखने के अलावा समझ सकें, उसको पढ़ सकें और क्या क्या वर्ड यूज़ करने वो भी आप साथ साथ में देख सकें। ओके, तो ये हो गया आपका लेटर प्रार्थना पत्र। अब दूसरा ये है इसमें कि आपको डेट चेंज करनी हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो डेट लिखी है वही लिखो। आप अपनी तरफ से कोई भी डेट लिख सकते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं, आप नाम चेंज कर सकते हैं, आप स्कूल का नाम चेंज कर सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं, मगर मैटर आपको शॉर्ट में ऐसा ही लिखना होता है, राइट? अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें और भी है, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय को आप विद्यालय भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यथा समय, तो मैं सही समय पर, यथा समय जो दे रखा है वहाँ पर मैं सही समय पर या समय पर विद्यालय में उपस्थित रहूँगा या रहूँगी, वो भी लिख सकते हैं आप। अवकाश देने की कृपा करें, तो अवकाश उसमें तो कृपा करें ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, राइट? फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर शिष्य है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या ऐसा लिखना है, क्यों? क्योंकि आप गर्ल हो। फिर नाम, तो आपका नाम सुशील कुमार है तो वो नाम भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए, इस वर्ष आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा, अपने मित्र को पत्र लिखकर उसके जन्मदिन पर आमंत्रित कीजिए। अब यहाँ पे ऑफिशियल लेटर नहीं है, ये पर्सनल लेटर है, इसमें आप थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा लिख सकते हैं, अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करना है यानी कि उसको इन्वाइट करना है, क्यों? क्योंकि आपका जन्म धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो खुद का जो लेटर लिखते हैं यानी पर्सनल जो लेटर लिखते हैं उसमें हमारा एड्रेस पहले आता है, ऑफिशियल लेटर में सामने वाले का पहले आता है, वैसे खुद का जो पर्सनल लेटर लिखते हैं उसमें हमारा खुद का एड्रेस पहले आता है, C427 427 पटेल नगर नई दिल्ली 17 अक्टूबर 20। प्रिय मित्र सुरेश, सब प्रेम नमस्ते। प्रिय मित्र सुरेश है तो उसको आदरणीय आदरणीय नहीं लिखना है, उसको नमस्ते ही बोलना है, राइट? आप क्लास में बोलते हैं ना नमस्ते, उस तरह से। आशा है स्वस्थ होंगे यानी उम्मीद है कि तुम अच्छे होंगे। तुम्हें याद होगा कि मेरा जन्मदिन 7 नवंबर को है, इस शाम को। अब जब हम बर्थडे मना रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो वो आगे वाली डेट डालनी है, ना कि पिछला डालना है, राइट? क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो वो लेटर मिलेगा, वो टिकट बुक कराएगा, वो आएगा, तब तक टाइम लगेगा, इसलिए आपको वेल इन एडवांस मैं डेट अपने खुद की सोच से डालनी होती है, राइट? तो मेरा जन्म 7 नवंबर को है, इस दिन शाम को 7 बजे मैं केक काटूंगा और उसके बाद घर पर रात्रि भोज का आयोजन है। रात्रि भोज यानी रात का भोजन, डिनर। ओके, यहाँ पे यही बताया गया, देखो 17 अक्टूबर 2020 है, पर हमें वही डेट डालनी है जो आगे की डेट हो, ना कि रिलेटेड या आसपास के डेट आप मेंशन वहाँ पर नहीं कर सकते। रात्रि भोज यानी डिनर। ओके, डिनर है, तुम ठीक समय पर पहुंच जाना। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स है, पर फ्रेंड को भी फालतू की फिजूल बातें नहीं लिखनी है कि तू कैसा है, क्या कर रहा है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तेरा गेम कैसा चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी होती है, राइट? तुम ठीक समय पर पहुंच जाना, पहुंच जाना यानी कि आ जाना। भूलना मत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा यानी कि इंतज़ार करूंगा, वेट करूंगा या करूंगी,
अगर आप फीमेल हैं तो आप करूंगी लिखेंगे, राइट। अपने माताजी पिताजी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम कहना। अब ये मत भूलना कि घर में बच्चा अकेला आपका फ्रेंड नहीं है, उसके पेरेंट्स भी हैं, तो उनका भी आपको बोलना है कि माताजी पिताजी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र गौरव। यहाँ पे आप अपना कोई भी तुम्हारा मित्र, तुम्हारी प्रतीक्षा में लिखना ज़रूरी नहीं है, उसको आप कट भी कर सकते हैं, बट तुम्हारा मित्र यानी लिखने वाला कौन है, लेटर सेंड करने वाला सेंडर कौन है, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गौरव, यानी कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप गौरव ही लिखें। तो इस तरह से आप अपना ये जो नाम है उसमें चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये लेटर हमने यहाँ पर लिखा है, और दो लेटर हमने लिखे, दोनों ही मैंने आपको इतना तो टाइम दिया है इसमें कि आप उसको देख करके अच्छे से लिख सकें, सुन करके समझ सकें, और अपनी एक और स्किल लेटर राइटिंग की उसको डेवलप कर सकें। अब इसके अलावा एक और लेटर, क्योंकि अब लेटर तो छोटे छोटे होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज ज़्यादा आपको लिखा रही हूँ। छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखना होता है आपका, सिंपल सी ऐसी छुट्टी लेनी है आपको, ज़रूरी नहीं है कि शादी हो, बीमार हो गए या ऐसे ही आपका मूड नहीं है स्कूल में जाने का, लेकिन स्कूल से परमिशन तो लेनी पड़ती है। तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी या महोदय, उच्च माध्यमिक, हाई स्कूल, विषय, तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट डालना है कि विषय क्या है, हाँ ये सब्जेक्ट डालना ज़रूरी है। 3 दिन के लिए अवकाश चाहने हैं तू या छुट्टी चाहने हैं तू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अवकाश आवेदन लिखा है यहाँ पर, आप अवकाश भी लिख सकते हैं, छुट्टी भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखना है आपको महोदय जी, तो महोदय जी और महोदय दोनों में से एक भी लिखोगे तो चलेगा। सविनय यानी विनयता के साथ निवेदन है, कि निवेदन का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ओके। तो विनय निवेदन है कि मैं यानी कौन, लिखने वाला खुद, मैं आपके विद्यालय का यानी कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र हूँ, तो मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं कौन सी कक्षा का छात्र हूँ, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे मुझे अपने मामा की शादी में जाना है। मेरा शादी में जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरा शादी में जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शादी का सारा देखरेख मुझे ही करना है, राइट। तो इसमें एक तो मैंने पहले शादी वाला एक लेटर बताया, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं विषय डालकर। विषय तो ऑब्वियसली डालना ही होता है, लेकिन इस आप अपने कंटेंट को थोड़ा इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए अतः मुझे 23/5/2020 से 23/5 यानी 23 मई 2020 से 26 मई 2020 तक 3 दिन का, इसने एक देखो पहले वाले लेटर में हमने क्या किया था, पहले डेट अलग डाली थी, फिर सेकंड सेंटेंस में हमने कितने दिनों की छुट्टी चाहिए वो बताया था, यहाँ पर एक ही लाइन में डेट और कितने दिनों की छुट्टी चाहिए वो हमने बता दिया। तो 3 दिनों तक छुट्टी देने की कृपा करें, यानी आप देखो कि लेटर लिखने के वे किस किस तरह से, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह से लिखो, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से आपको बताया। इसलिए मैं इसके लिए यानी अगर आप मुझे छुट्टी देंगे तो इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, ओके। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी मैंने आपको बताया वो सब कॉमन ही रहेगा, XYZ, या आपको वहाँ पे कक्षा यानी क्लास लिखना है, क्रमांक अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर लिखना है, वो सभी आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, अपनी अपना स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये अपना यानी पहले वाला जो है वो भी फॉर्मेट सही है, ये वाला जो है वो भी फॉर्मेट सही है, आपको जो पसंद आए वो आप लिखिएगा, राइट। तो ये था हमारा पत्र लेखन,
इसके साथ ये ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बोलना है कि लेटर राइटिंग हम क्यों सीख रहे हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम अब तो व्हाट्सएप और ईमेल और फैक्स करने का ज़माना है, मेल कर देते हैं हम, तो हमको लेटर क्यों लिखना है, जब अगर हमारी बात किसी इंसान को बिल्कुल 3-4 मिनट में ही पहुँच जाती है, तो हमें लेटर सीखना क्यों है। तो वो इसलिए सीखना है क्योंकि पर्सनली, राइट, पर्सनली हो सकता है आपको सीखने की ज़रूरत ना पड़े, पर ऑफिशियली हमेशा आप किसी को व्हाट्सएप या हाँ ईमेल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सॉफ्ट कॉपी देनी होती है, जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पे आपका रिज्यूम मांगते हैं, तो रिज्यूम में वो आपका हार्ड कॉपी भी लेंगे और सॉफ्ट कॉपी भी लेंगे, तो हार्ड कॉपी भी हमारे लिए उतनी ही नेसेसिटी होती है, लेकिन हमको चलो हार्ड कॉपी भी बना है लेकिन उसमें लिखना तो पड़ेगा, तब आप सॉफ्ट कॉपी से उसको हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी निकाल सकोगे, तो लिखना तो पड़ेगा, बिना लिखे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें ये लेटर राइटिंग इसीलिए लिखना आना चाहिए, इसीलिए और ऑफिशियली हमको ये ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, अभी आप छोटे हो इसलिए, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको इसको और भी अच्छे से और ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आपको कहीं पर भी एप्लीकेशन लिखनी है, कहीं पर किसी बुक स्टॉल में जाना है वहाँ पर एप्लीकेशन लिख के आपको बुक्स लाइब्रेरी में इशू करनी है, कोई भी मैटर हो सकता है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग सीखना ज़रूरी है। ये आपका बेसिक है, इसलिए आपको बेसिक वे में बताया है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल और भी अप होता जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो लेटर राइटिंग है उसको आपको सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये आज वाला टॉपिक समझ में आया होगा और बाकी सारे भी आते होंगे, राइट। थैंक यू।